नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। मारवाड़ी युवा मंच बेतिया ने कैंसर जांच शिविर का किया आयोजन। हरकेश कुमार बेतिया पश्चिम चंपारण की रिपोर्ट। बेतिया मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में कैंसर जांच शिविर का किया गया आयोजन, जिसका उद्घाटन सांसद सह बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एवं नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। इसे अधिक से अधिक लोगों को शिविर की जानकारी दें ताकि लोग अपना इस शिविर के माध्यम से जांच कराएं। बिहार प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 45 वर्ष की महिला 50 वर्ष के पुरुष को अपना जांच साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए ताकि जटिल से जटिल बीमारियों का पता लग सके। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक कसर तंबाकू गुटखा खाने वाले व्यक्ति को कैंसर होता है। अनुमंडल अधिकारी विद्यानंद पासवान ने कहा कि कैंसर शिविर की जानकारी प्रत्येक सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल में जागरूकता कैंसर की जानकारी एवं रोकथाम देने का पहल मारवाड़ी युवा मंच करे, प्रशासन भी इनके साथ कदम से कदम मिलाएगा। इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष मोहित झुनझुनवाला, सचिव अरविंद केशन, कोषाध्यक्ष नवीन जोशी, रोहित सिकारिया, राहुल कुमार, निशांत शर्मा, अमन अग्रवाल, तेजस्वी सोमानी इत्यादि मौजूद थे। उम्र के हर पुरुष को 2 साल में अपना एक थॉरो चेकअप जरूर कराना चाहिए और खास करके जो गुटखा कसैली सिगरेट इस तरह का प्रयोग करते हैं उनको बंद करना चाहिए और अपनी एक बार जांच भी जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि और कुछ निश्चित हो जाए नहीं हो, मुंह का कैंसर होना उनको निश्चित है। तो इस चीजों से बचने के लिए वैसे ही आज भारत सरकार ने एक बहुत छोटा सा कदम लिया है कि बच्चों से लेकर के बच्चियों को हम लोग सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करेंगे, पर ये छोटा सा जो कदम है, मनोहर पालिकर जी, अनंत कुमार जी, दोनों को हम इसलिए केवल गवाल दिए क्योंकि हम लोगों ने कैंसर डिटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी अपनी गलती राजनीतिक क्षेत्र में पूरा समय देने के चलते हुआ कि नहीं हम दिखाएंगे, चलो कराएंगे। मुझको तो अभी भी याद है क्योंकि मैं खुद सचेतक था, आनंद जी का वजन कम हो रहा था, हम कहे कि एक बार आप लोग दिखाइए इसमें, तो उन्होंने बिल्कुल टाल दिया कि पहले सेशन ख़त्म हो तभी मैं जाके दिखाऊंगा। और सेशन ख़त्म हुआ और अगले सेशन शुरू होने से पहले हम लोग अनंत कुमार जी जैसे बड़े नेता को हम लोगों ने गंवा दिया। तो सबसे आज भारत सरकार की बहुत योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत में सभी गरीबों को 5 लाख रुपए तक की सुविधा है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कैंसर के लिए एक अलग से कोष है कि जिसको कैंसर होता है उसको कि ये सब चीज़ें जो एक ही मेरे में थोड़ी सी बुरी आदत है चाय पीने की, उसको भी अब चूंकि एक समाज में कहीं जाइए और किसी के घर कुछ नहीं पीजिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इन चाय को भी मैं कम कर रहा हूँ। बाकी मैं आज तक कसैली पान कभी तंबाकू सिगरेट तो मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं चखा, कि होता भी था ये भी मैंने नहीं जानता हूँ। और आज भी मैं अपने ही उम्र के दूसरे लोगों को देखता हूँ तो मुझको लगता है अच्छा मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बचपन के क्लासमेट को देखता हूँ और कहीं कहीं मुझको भी जब युवा नेता बोला जाता है तो मुझको हंसी आता है कि यार अब तो मेरा बेटा है डॉक्टर है, डॉक्टर भी अब हो गया, अब हमको भी तो युवा बोला जाता है। लेकिन आप अगर व्यसन नहीं करते हैं तो आपके चेहरे आपके शरीर में वो झलकता है, इसीलिए आप सबसे भी कहेंगे कि अगर कोई बुरी आदत हो तो यहीं पर छोड़ करके ही इस स्टेडियम से जाएं और भविष्य में नहीं करें, और सारे मित्रों को जान पहचान वालों को जरूर इस कैंसर शिविर में लाकर जांच। कैंसर डिटेक्शन शिविर में इसके संचालन शुरू किया है कि हर जगह घूम करके और जांच कराना। हमने 2 बहुत बड़ी विसंगतियां देखी हैं इस देश में, माननीय मुख्यमंत्री डिटेक्शन का नतीजा है। आप सबको कहेंगे कि जो भी कम से कम आपके जान पहचान में जो खैनी तंबाकू खाते हैं उनको तो एक समाज सेवा के लिए मारवाड़ी युवा मंच बना है, तो एक सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए आपके जितने भी मित्र
इस तरह का गलत प्रयोग करते हैं उन सबों को तो जरूर इसमें जबरदस्ती एक बार भिजवा दीजिए, क्योंकि मित्र को गंवाना भी उतना ही दुखद होता है। अब परिवार का कोई भी हो तो जरूर कीजिए। और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं कसैली भी नहीं खाता हूँ। मोबाइल सीट जिस आज हम जैसा देख रहे हैं कि आज हमारे पास एक वैन उपस्थित है, एक मोबाइल बस उपस्थित है जिसमें कैंसर की जांच की जाएगी। आप लोगों को इसमें पूरा सहयोग देना है। जितने लोग इससे पीड़ित हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं है वो अधिक से अधिक लोग इस मात्रा में आए और अपनी जांच करवाएं। पर सबसे ज्यादा जरूरी क्यों ये भी है कि किस कारण से कैंसर फैल रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करें। जिस तरीके से इसके इंडिया में रेट बढ़ती जा रही है, लोग 1400 प्रतिदिन 1400 लोग जिस तरीके देखा जा रहा है, प्रतिदिन 1400 लोग मरते हैं, तो इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। और इसके एडवांस स्टेज में इसका क्योर अभी भी संभव नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको प्रथम स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया जाए। और मेनली ये कारण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे कैंसर जांच शिविर के लिए उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं और साथ ही जागरूकता के लिए। तो जिस तरीके से कैंसर इंडिया में फैल रहा है, जिस तरीके से इसकी मोर्टैलिटी रेट बढ़ती जा रही है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के इसके बारे में जागरूकता लाना, अभियान चलाना। और इसमें मारवाड़ी युवा मंच ने एक पहल की है, इसका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। मैं आह्वान करता हूँ आज आप लोगों के माध्यम से कि ये जागरूकता अभियान प्रत्येक विद्यालय में भी चले, सरकारी विद्यालय में भी, और इस तरह और जानकारी लोगों को हो। जानकारी इसलिए भी कि कैंसर अब के समय में लाइलाज बीमारी नहीं रहा। जब हम पहले सोचते थे कि कैंसर का नाम ही से डर लगता था कि भाई कैंसर है, बाप रे बाप क्या होगा, तो मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन वो बीते दिनों की बात हो गई। अब हम जागरूकता ला करके कैंसर की बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपने लॉन्जिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो हम पुनः आप सभी को बधाई देते हैं इस आयोजन के लिए और धन्यवाद भी देते हैं, और आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी आप इस जागरूकता अभियान को और आगे बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये आपसे खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।